इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 15 फरवरी को खेले गए टेस्ट मैच में अपना टेस्ट डेब्यू के साथ ही सुर्खियां बटोरने वाले बल्लेबाज सरफराज खान ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश है अपना टैलेंट साबित करने के लिए। सरफराज की कहानी ऐसी है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। 26 वर्षीय सरफराज मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन सरफराज का पूरा बचपन मुंबई में ही बीता है। सरफराज के फादर नौशाद खान, जो कि खुद भी क्रिकेट कोच थे, उन्होंने ही सरफराज के क्रिकेट टैलेंट की परख करी थी। सरफराज के फादर ने ही पहचाना था कि सरफराज बॉल को काफी अच्छा टाइम्ड करता है, अगर इसे और अच्छा करा जाएगा तो वह बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। सरफराज ने क्रिकेट अपने फादर की छत्र छाया में ही रहकर सीखी और खेली है। बारिश के दिनों में जब सरफराज मैदान नहीं जा पाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, तब उनके फादर ने घर पर सीमेंट की पिच तैयार करी थी जिससे उन्हें बाउंसी पिचेस में खेलने की प्रैक्टिस हो सकी। सरफराज सुर्खियों में पहली बार तब आए थे जब वह मात्र 12 साल के थे। तब सरफराज ने अपने स्कूल रिजवी स्प्रिंगफील्ड की तरफ से खेलते हुए हैरिस शील्ड रिकॉर्ड तोड़ा था महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का, जिसमें सरफराज ने 421 बॉलों पर 439 रन बनाए थे। पूरी गेम के दौरान सरफराज ने 56 चौके और 12 छक्के जड़े थे। सचिन के 1988 के रिकॉर्ड को, जो सचिन ने खुद भी अपने स्कूल श्रद्धाश्रम विद्या मंदिर के लिए खेलते हुए ही बनाया था, तब सरफराज ने अपने आप को सचिन से कंपेयर करे जाने पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सचिन मेरे आदर्श है, मैं उन्हें अपने गुरु के तौर पर देखता हूँ, प्लीज मुझे उनसे बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। जो उन्होंने अचीव करा है, अगर मैं उसका 1% भी अचीव कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझूंगा। जिसके कुछ समय बाद ही वह खेलने लगे थे मुंबई अंडर 19 टीम के लिए, और अपने शानदार क्रिकेट प्रदर्शन के कारण वह समय ज्यादा दूर नहीं था जब उनका डेब्यू हुआ इंडिया अंडर 19 टीम के लिए। सरफराज अपनी गेम से साबित कर चुके थे वह भी किसी से कम नहीं है। इस कड़ी के चलते 2014 के अंडर 19 विश्व कप के दौरान सरफराज ने 6 मैचेस के दौरान पूरे 211 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल थे, जिसमें सरफराज का स्ट्राइक रेट था 105.5 का। सरफराज 2016 के अंडर 19 विश्व कप के दौरान भी टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हुए थे। पूरे टूर्नामेंट के दौरान सरफराज दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा रन जड़ने वाले खिलाड़ी साबित हुए। 6 पारियों के दौरान खेलते हुए सरफराज का टोटल रहा था 355 रन, जिसमें 5 पारियों में तो अकेले उनके अर्धशतक ही थे। सरफराज ने अपना रणजी ट्रॉफी में डेब्यू साल 2014 में करा था बंगाल के खिलाफ मुंबई की तरफ से खेलते हुए, लेकिन रणजी के 2015-16 के सीजन में वह यूपी की तरफ से खेलते हुए मैदान में उतरे। 3 साल तक यूपी की तरफ से रणजी में खेलने के बाद सरफराज ने रणजी का 2019-20 का सीजन दोबारा से मुंबई की टीम में रहते हुए खेला, और यूपी के खिलाफ ही सरफराज ने ट्रिपल सेंचुरी जड़ी। अपनी ही फॉर्मर टीम के अगेंस्ट अपनी पूरी इनिंग्स के दौरान सरफराज ने 391 बॉलों पर 301 रनों की शानदार पारी खेली, और पूरी इनिंग्स के दौरान सरफराज ने 30 चौके और 8 छक्के जड़े और अपना नाम शामिल करा लिया मुंबई रणजी की ट्रिपल सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ियों की इलीट लिस्ट में, जिसमें सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर, वसीम जाफर एंड रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं।